हेलो टू दी ऑल एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक फर्स्ट क्लास मज़े में होंगे, हमारी सारी वीडियोस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी मज़े वाली होने वाली है क्योंकि आज हम लोग सैर करने जा रहे हैं रॉयल विलाज की तरफ, जिसके बारे में हमारी एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, नीचे उसका लिंक भी आपको उस वीडियो का मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने सब लोगों को अनाउंस किया था कि रॉयल विलाज के एक्सटेंशन जो कि कमिंग सून है, जो कि 2 साल के एक इंस्टॉलमेंट पे एक प्लान आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सरमायाकारी भी की जा सकती है और यहाँ पे रेजिडेंशन के लिए भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, मींस यहाँ पे हमारी रहाइश भी हो सकती है और यहाँ पे हम लोग एक अच्छे वाला बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको लेके जाएंगे रॉयल विलाज के एक्सटेंशन की ओपनिंग सेरेमनी की तरफ। तो लेट्स सी, टाइम नहीं वेस्ट करते, तो चलते हैं रॉयल विलाज की ओपनिंग सेरेमनी। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं रॉयल विलास की ओपनिंग सेरेमनी की तरफ। तो अब हम आपको लेके चलते हैं भाईजान रॉयल विलास की, जो जहाँ पे सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है। मेरे मोजस मेहमानों, दाता डेवलपर्स जिसका आगाज आज से तकरीबन 35 साल पहले चेयरमैन हाजी मंजूर साहब ने किया, जिनकी शब रोज मेहनत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह दाता डेवलपर्स का फैसलाबाद में एक नाम और मुकाम है। इन्हीं की कोशिशों और कावशों को आगे लेकर चल रहे हैं चौधरी हनीफ साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर मिसाकल मॉल, और चौधरी गुलाम मुर्तजा साहब। अब मैं चाहता हूं कि चौधरी गुलाम मुर्तजा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रॉयल विलाज, आएं और अपना इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं अपने मुअज्जज मेहमानों को, डीलर हजरात को, इन्वेस्टर्स को खुश आमदीद कहता हूं। बेशक आप ही की वजह से हमारी खुशियां और हमारी रौनकें दुबाला होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अगर इस मकाम पर खड़े हैं, मेरे वालिद साहब की कावश और चौधरी हनीफ साहब की कावश और आप सब दोस्तों का तावन हमारे साथ शामिल हाल है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि दादा डेवलपर आपको डिलीवर करेगा और आप इंशाल्लाह हमारे साथ चलते रहेंगे ऐसे अल्लाह के फजल से। जी बेसिक सब दोस्तों का इकट्ठा होने का मकसद ये होता है कि गपशप हो जाती है, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। बाज़ दोस्त कोई एक माह दो माह किसी से नहीं मिले होते, यहाँ पे सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, दूसरा गपशप चल जाती है। अभी क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ई ब्लॉक का जो पोर्शन है उसकी इनॉग्रेशन के मामला चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुकिंग शुकिंग सारी हो चुकी है, उसी के एजाज़ में ये आप दोस्तों के लिए लंच का अरेंज किया गया है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह बाज़ दफ़ा बंदा कुछ चीज़ बात पूछना चाहता है लेकिन वो हेजिटेट महसूस करता है कि यार ये बात करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इंशाल्लाह हमारे दरवाज़े, हमारे मामला, कोई बंदा भी, कोई डीलर, कोई इन्वेस्टर हमसे भी बात करना चाहे कि पूछना चाहे तो इंशाल्लाह आप किसी बात में झिझके ना, हम अल्लाह के फजल से आपके सारे जो आपके जहन में बातें हों या आप पूछना चाहें वो बिना हेजिटेट आप पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा मामला जो मेरे जहन में आ रहे थे कि ये जी कुछ चीज़ें सुनने में आ रही थी कि अभी तक ये अप्रूव्ड क्यों नहीं हुआ, ये नहीं वो नहीं, उसमें सिर्फ ये बात होती है कि एक टाउन मीन वाइल किसी ने 25 एकड़ का, 50 एकड़ का, 100 एकड़ का डिवेल्प किया और उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं की। वो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल में तकरीबन अप्रूव्ड हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे, अपनी तकमील पे मराल पे पहुंच चुके हैं। रॉयल विलाज की बेसिकली जो पोजीशन, अब अनकरीब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 625 कनाल जो है ये इंशाल्लाह आपको थोड़े दिनों में खबर मिलेगी कि इंशाल्लाह ये अप्रूव्ड हो चुका है, तो बाकी वाली इंशाल्लाह फिर फाइल हम नेक्स्ट जमा करवाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सब पे अपनी रहमत करे और अपनी करम नवाजियाँ रखे और हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर और एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम टू द ऑल एवरीवन। आज हम लोग मौजूद हैं जी रॉयल विलास की ओपनिंग सेरेमनी पे, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम आपको लिए जाएंगे रॉयल विलास की उस ओपनिंग सेरेमनी पे, जहां पे हम आपके सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे और दाता डेवलपर्स के जो ऑनर हैं CEO चौधरी मुर्तजा साहब, आपकी उनसे भी लाइव बात करवाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है जी मेरे पास मिस ताहिरा का, जो कि दाता डेवलपर से करना चाह रही हैं कि अगर हम लोग दाता डेवलपर्स के किसी भी इन्वेस्टमेंट में, अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट में अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल बाहर के मुल्क से हैं, तो उनसे हम डायरेक्ट अगर बात करना चाहें, क्या आया कि हमें उनका नंबर या उनके किसी स्टाफ का नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है? आए बात करते हैं CEO चौधरी मुर्तजा साहब से। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मिस ताहिरा मेरे ख्याल नाम बताया आपने। जी जी मिस ताहिरा, इसमें कोई ऐसी बात वाली बात नहीं है जी। हमारा नंबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट बनी हुई है, मॉडल सिटी रॉयल विलास के नाम से बनी है, वहाँ पे भी हमारे नंबर अवेलेबल हैं। दाता डेवलपर के नाम से हमारी वेबसाइट बनी है, वहाँ पे भी हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नंबर, क्योंकि हमारे पास फील्ड नहीं होता तो नंबर अटेंड नहीं होता। उसका हल ये होता है कि अगर आप एक मैसेज पहले कन्वे कर दें कि हम आपसे इस प्रोजेक्ट के मतलब बात करना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको उसका मुकम्मल जवाब देंगे। इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन है ताहिर साहब का, जो कि इस्लामाबाद से हैं और वो रॉयल विला मॉडल सिटी 1 के बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि रॉयल विला मॉडल सिटी 1 की जो एक्सटेंशन है, बार बार उसके बारे में जो उन्हें डीजे हज़ार जो उनसे रابطہ करने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें इस बात का झांसा देते हैं कि हमारी एक्सटेंशन जो होती है कमिंग सून है, और वो उनसे इस बारे में बार बार बात करके उनसे टोकन वसूलने की कोशिश करते हैं। आया क्या ये बात दुरुस्त है कि मॉडल सिटी की कोई नई एक्सटेंशन अभी आ रही है? अभी तक हमारी मॉडल सिटी 1 में जे ब्लॉक तक एक्सटेंशन है, उसके अलावा हमारी कोई एक्सटेंशन ना आने वाली है। जैसे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट ज़ारा लॉन्च होता है उसको पता चल जाता है, लेकिन अभी तक हमारी क्यू में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि हम मॉडल सिटी 1 के साथ उसको अटैच करें। और इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है अली साहब का, जो कि इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं मुसाकुल मॉल टू अकॉर्डिंग, मुसाकुल मॉल की कोई एक्सटेंशन कोई इंक्रीज़ की गई है? मिसाकुल माल एक्सटेंशन या इम्पोजियम के नाम से हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है, उसकी बुकिंग ऑलरेडी हो भी गई है और आगे भी चल रही है, तो उसकी बिल्डिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे शुरू होगी। वहाँ पे आप इन्वेस्ट करना कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि अली भाई मिस ताहिरा और ताहिर साहब आपको आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर मिल गया होगा। तो लेट्स सी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त और डाटा डेवलपर्स को याद रखिएगा। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोजेक्ट था, जो आज के जिस इवेंट पे हम लोग आए थे, वो इवेंट माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल गया और ये सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों को। अगर आप लोग मुझे कमेंट में इसके बारे में ना कहते तो शायद मैं इस पर वीडियो ना बनाता, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं आप हमें। अगर आप किसी और सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके ही कहने पर आपकी पसंदीदा कॉलोनी में बनाएंगे। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।